इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के कहर से दुनिया अभी भी उभर नहीं पाई थी कि कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। भारत में कोविड का नया वेरिएंट JN1 पैर पसारने लगा है। इसी कड़ी में आगरा के कैंट स्टेशन पर जांच के दौरान एक मरीज में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ये हम सब आपको बताएंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि JN1 नया वेरिएंट अब भारत में आ चुका है। भारत में कोविड का नया वेरिएंट JN1 पैर पसारने लगा है। आगरा के कैंट स्टेशन पर मिला है पहला मामला। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता अनिल कुमार सिंह के साथ। अनिल, जैसा कि कैंट स्टेशन पर एक शख्स में कोविड का नया वेरिएंट मिला है, तो क्या वो व्यक्ति आगरा का रहने वाला है? देखिए, अभी चूंकि अभी एंटीजन जांच की है और उसके बाद कुछ लक्षण जरूर उसके कोविड के मिलते जुलते मिले हैं, लेकिन अभी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से अभी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो लक्षण इस समय नजर आ रहे हैं वो JN1 से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि अभी सैंपल लिया गया है, उसको जीनोम के लिए अभी भेजा जाना बाकी है और उसके बाद ये पुष्टि होनी बाकी है कि ये JN1 है या फिर नॉर्मल COVID-19 है। अभी इससे कुछ भी कह पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं और जिस तरीके लक्षण पाए गए हैं, वो जो लक्षण है वो JN1 से मिलते जुलते हैं। तो अभी ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये जो मरीज है ये कहीं वो JN1 जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन का, ये कहीं उससे संक्रमित तो नहीं है, तो उसके लिए अभी जांच की जा रही है। और अभी CMO के स्तर से अभी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही ये पुष्टि होगी कि ये जो वायरस है ये JN1 है या ये नॉर्मल COVID-19 वायरस है। तो अभी हालांकि दस्तक जरूर है आगरा में, कहीं ना कहीं हलचल जरूर है खबर से, लेकिन अभी पुष्टि होना अभी बाकी है। अभी देखा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये कहीं JN1 तो नहीं है। जी अनिल, तो स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग अभी किसी तरीके का कोई जवाब उस तरफ से नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों के तमाम प्रयास हमारे द्वारा किए गए हैं कि इसका कोई आधिकारिक बयान मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से आए, उसके लिए लगातार हमारी तरफ से प्रयास जारी है। लेकिन अभी चूंकि अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये वास्तविक स्थिति क्या है। जी, पिछली बार जो स्थिति थी कि कुछ इलाज के लिए लोग भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, वहीं हमने देखा कि कितने लोग भटक रहे थे, तो इस बार स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? देखिए, तमाम इंतजाम किए गए हैं, दावे जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो दावे हैं और जमीनी हकीकत है उन दोनों में अंतर है। अभी जो COVID-19 में जो ऑक्सीजन को लेकर किल्लत देखी गई थी वो दोबारा ना हो, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। लेकिन अब आगरा जनपद की बात करें तो दो ऑक्सीजन प्लांट जो के मुख्य जगहों पर है, एक जो लेडीलाल चिकित्सालय में है वो खराब पड़ा हुआ है, उसके बाद जो दूसरा मुख्य ऑक्सीजन प्लांट है वो जिला अस्पताल में लगा हुआ है वो भी खराब पड़ा हुआ है। हालांकि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कंपनी को लेटर भेज दिए गए हैं, रिक्वेस्ट भेज दी गई है, अब कंपनी की ओर से अभी ये देखना बाकी है ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये कब तक ठीक होंगे। अभी जो अगर आगरा जनपद की बात करें तो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर के सहारे ही हम अभी आधी अधूरी तैयारी कर चुके हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। जैसा कि आपको बता दें कि आगरा कैंट पर कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। CMO ने मरीज का इलाज अपनी निगरानी में करने की बात कही है। आपको एक बार फिर बता दें कि आगरा कैंट पर मिला है पहला मरीज, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। ट्रेन से आगरा पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट JN1। कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई। CMO ने मरीज का इलाज अपनी निगरानी के सामने करने की बात कही है। CMO ने कहा, नए साल में बरती जाएगी पूरी सतर्कता।